ये बदतमीजी थी। अगर तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में मारा होता ना, तो अब ये घटिया हरकत नहीं करते। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सोनिया। जल्द अज जल्द कुछ भी करके मुझे इसकी फ्रस्ट्रेशन का हल तो निकालना होगा। इससे नहीं चल सकता। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हो फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है, तू रहे आशना या रहे अजनबी, मेरी हर सांस है तुझसे बंधी हुई। जुगनू, तुम्हारे लहंगे के साथ की सारी चीजें निकाल दी हैं मैंने, लेकिन मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही, कहाँ है? तुमसे बात कर रही हूं मैं, क्या हुआ? सिद्रा ने रखी है। तुम होश में तो हो? आज शादी है तुम्हारी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लड़कियां तो अपनी शादी को लेकर कितना खुश होती हैं, और तुम हो के क्या करूं मैं? नाश्ता शुरू कर तू। नहीं, नीचे आकर अपने भाई के साथ नाश्ता कर लो, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है आज वो नाश्ता तुम्हारे साथ ही करेंगे। नीचे आ जाओ, तुम्हारे भाई को भूख लगी है। बहुत खुश होंगी ना आज आप? हमेशा के लिए जाने वाली हूँ इस घर से। आपकी मुसीबत आपके सर से उतर। मैं जब इस घर में शादी होकर आई थी, तुम तो इतनी छोटी थी कि दुपट्टा तक नहीं लेती थी, पूरे महल्ले में इधर उधर भागती फिरती थी। और मेरी आपसे लड़ाई भी पहली बार इसी बात पे हुई थी कि आपने मेरी शिकायत भाई से जाकर लगाई, और तुमने चीख चीख कर पूरा घर सर पे उठा लिया, और अम्मा आपकी हिमायती हो गई थी। तुम मेरी दुश्मन। पता है, अगर उस दिन आप भाई से मेरी शिकायत लगाने के बजाय मुझे अपने पास बुलाकर प्यार से मुझे समझाते, कभी कभी इतना गुस्सा ना होती और क्या आपकी बात को समझती। ऐसा नहीं है, हमेशा कोशिश की है, हमेशा चाहा है, मैंने चाहा है कि मैं तुम्हें प्यार से ही समझाऊं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच से ये नंद और भाभी वाला रिश्ता खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। सब मत कहो,
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी ना, बस मुझे एक आवाज देना, मैं भागी चली आऊंगी। देखो मैं चाहती हूँ मुझे भाभी मत समझो, अपनी बहन मानो। ऐसा कहने में बहुत देर कटती आप। काश ये सब कुछ पहले कहा होता। क्या हुआ है आपको, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? हमजा तुम बहुत छोटे थे जब तुम मेरी गोद में आए। तुम्हारे माँ बाप की हादसाती मौत के बाद तुम इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गए थे। मैं भी नई नई बेवा हुई थी, लेकिन तुम्हारे मासूम चेहरे को देखकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने सारे गम भुला दूंगी, तुम्हारे लिए दुनिया के आगे एक चट्टान बन जाऊंगी। जानता हूं पापा, सब याद है मुझे। मैं रात भर सो नहीं पाई। अगर वो तुम्हारी बाइक के साथ तुम्हें भी, मैं जीते जी मर जाती। मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम पे खत्म होती है। अच्छा पप्पू, रोए मत आप। वापस आकर मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता पप्पू, इसलिए नहीं बताया आपको। और अगर दोबारा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। समझ गए। जुगनू बिल्कुल सही कहती है। क्या कह रही थी जुगनू? ये जो लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं, उनके घर वाले लड़के को कभी नहीं बख्शते। मैंने सोनिया की माँ की शक्ल पे जो नफरत और गुस्सा देखा है ना, बहुत डर गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा पप्पू, अब इतना भी अंधेर नहीं मचा हो। तुम नहीं जानते इन ताकतवर अमीर लोगों को, वो कुछ भी कर सकते। सोनिया को उसके घर वापस भेज दो। चलते हैं, आप परेशान ना हो।